वैश्विक महामारी कोरोना के बीच दूसरे वर्ष भी लोगों ने घरों में ईद की नमाज अदा की। मस्जिद और ईदगाहों में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन मुबारक शाह शहीद मज़ार स्थित ईदगाह में सीमित संख्या में इमाम के साथ लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुबह से ही जिले के अधिकारी व पुलिस के जवान सड़कों पर गश्त करते रहे। इस दौरान लॉकडाउन होने की वजह से शहर के अधिकतर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शमारूफ स्थित जमा मस्जिद, नारमल स्थित हजरत मुबारक खां शहीद दरगाह, नूर मस्जिद बहरामपुर, तुर्कमानपुर स्थित नई मस्जिद में भी अल सुबह नमाज अदा की गई। SPCT सोनम कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, ये सभी लोगों को पता चल गया है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में नमाज अदा की। मस्जिद और ईदगाह में इमाम और सीमित संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नमाजियों और SPCT सोनम कुमार ने कहा, والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصدق سمع الله لمن حمده Thank you.
हमारा नाम है नौशाद झा भोला। आज हम ईद की नमाज पढ़े हुए हैं और सबसे पहले अपने हिंदुस्तान के लिए ईद में रोज़े रमज़ान के 300 रोज़ा जो रखते हैं उसका हमको इनाम अल्लाह ताला ईद का देता है, दिन ईद का दिन देता है। तो ईद के दिन हम जो मांगते हैं अपने अल्लाह ताला से वो अल्लाह ताला कम से कम हमारी पूरी करता है। तो हम सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए जो महामारी फैली हुई है कोरोना जैसी, सारे हमारे हिंदू मुसलमान परेशान हैं, उनकी परेशानियों के लिए जो महामारी आई हुई है उस महामारी को दूर करने के लिए हम अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह 300 रोज़े के सदक़े में हमको इनाम दे दे और इस ज़िले से, हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से महामारी को दूर कर दे और इसे सारी जनता को निजात मिल जाए। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। सबसे पहले तो हम आप सबको ईद मुबारक कहेंगे और उसके बाद हमने अल्लाह पाक से ये दुआ किया कि हमारे हिंदुस्तान में जो कोरोना वायरस से जो मौतें हो रही हैं और जो इस बीमारी से जो लोग परेशान हैं उनको अल्लाह सब पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको शिफाया दे, सबको जो लोग की मौत हो रही है इस मौत को कम किया जाए। और भी बहुत कुछ बहुत दुआएं की अल्लाह पाक से कि हमारे हिंदुस्तान को सुकून अमन और हिंदू मुस्लिम की साजिशों से दूर रखे और सबको एक जैसा भाईचारा बना के रखे। कोरोना का माहौल चल रहा है और अपने भाइयों से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बस निवेदन यही करेंगे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। ये आज ईद का त्यौहार बहुत ही सकुशल संपन्न हो गया, उसके बाद जुम्मे की जो नमाज़ थी वो भी सकुशल निकल गया। इसमें तहे दिल से मुसलमान भाइयों का शुक्र गुजारूँ मैं। घर लोगों ने अपनी नमाज घरों पर ही पढ़ी और बाहर वो अनावश्यक नहीं निकले। इसी तरह से उम्मीद की जाती है कि आगे भी जो भी त्यौहार होंगे पर्व होंगे कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में लोग अपने घरों में ही मनाएं ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। सुरक्षा व्यवस्था हमने अलग अलग चौराहों पर की थी और इसके अलावा गश्त भी चल रही थी, QRTs बनाई गई थी हर थाने पर जो किसी भी समस्या होने पर रेडी रहती, बट उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। गश्त करके लोगों को समझा के ही काम चल रहा है।